नमो अरहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहूणं कानराजको करनमन् करो महान यह काज आत्मज्ञान की प्राप्ति है मंगलमय सुख साज मंगलमय सुख साज चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतींद्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतींद्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती।
और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी दशा प्रकट होते हैं जैसे प्रज्वलित दीपक की ज्योति से दीपक प्रकाशित होता है और जगत के अन्य पदार्थ भी प्रकाशित होते हैं। ऐसे ही ज्ञान की ज्योति से चैतन्य परमात्मा प्रकाशित होता है और उसी ज्ञान ज्योति से जगत के ज्ञेय प्रकाशित होते हैं। ज्योति से दीपक प्रकाशित हो या जगत के पदार्थ प्रकाशित हो, ज्योति तो ज्योति ही है। ऐसी ही यह चैतन्य ज्योति है। आत्मा जानने में आए या सारा जगत आत्मा के ज्ञान में जानने में आए, ज्ञान की ज्योति में कोई फर्क नहीं पड़ता। यह चैतन्य ज्योति सदाकाल एक सी रहती है, परिणमित होकर भी परिणमित नहीं होती है, परिवर्तित होकर भी परिवर्तित नहीं होती है। जैसे ज्योति को हिलता डोलता आपने देखा हो, ज्योति डोलती है, अनित्य है, प्रति समय अनित्य है, ज्योति डोल रही है। ऐसे ही ये ज्ञान की ज्योति प्रति समय परिणमित होती है। जानना 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 ये निरंतर परिणमन हो रहा है। यह आत्मा में ही निरंतर जानने का कार्य हो रहा है। यह निरंतर नया 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 कार्य हो रहा है। अभी किसी पदार्थ को जाना, अगले समय किसी और को, फिर अगले समय किसी और को, यहां जानने का कार्य निरंतर हो रहा है, परिणमन निरंतर हो रहा है। यह जानने की पर्याय निरंतर पलट रही है, मगर उस परिणमन में भी कुछ ऐसा है जो सत्ता स्वरूप टिककर रहता है। उसी की अनुभूति वह चैतन्य की अनुभूति है, वही आत्मा की अनुभूति है। परिवर्तन में भी ऐसी अनुभूति कि जहां परिवर्तन का विकल्प ही नहीं, जैसे डोलती हुई ज्योति हो, परिवर्तन हो रहा है, अनित्य है, मगर अनित्य में भी किसी व्यक्ति का हाथ उस ज्योति में लगा, छुआ, कि उस समय उसे यह विकल्प ही नहीं आता कि यह ज्योति डोल रही है। उस समय उसे कोई कहे कि क्या हुआ, कि गर्म उष्ण, बस इतना ही। उसमें जो डोलना है उसकी ओर तो ध्यान ही नहीं, गर्म का अनुभव हुआ। ऐसे ही प्रति समय आत्मा का ये ज्ञान जो जानना 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 प्रति समय हो रहा है, उस जानने रूप परिणमन में उस ध्रुव चैतन्य स्वरूप की अनुभूति, बस वही आत्मानुभूति है। उस चैतन्य तत्व की एक समय के लिए होने वाली अनुभूति, ये अनुभूति किने होती है?
जिन्हें जगत के ज्ञेयों की रुचि नहीं, जगत के पदार्थों की रुचि नहीं, पदार्थों की रुचि नहीं, इतना ही नहीं ये ज्ञान के परिणमन की भी रुचि नहीं, ज्ञान की अवस्था की भी रुचि नहीं, तब वो चैतन्य सत्ता अनुभव में आती है। ये चैतन्य सत्ता आप परमात्माओं को अभी सुनते समय ऐसे तत्व विचार से अनुभव में आ सकती है, क्योंकि भगवान के समोसरण में सुनने के लिए जो श्रोता गए, सुनते समय अंतर में ऐसा तत्व विचार चला और तत्व विचार का परिणाम ऐसा आया कि गया था अज्ञानी और वापिस लौटा आत्मज्ञानी। समोसरण में अज्ञानी से ही ज्ञानी हो गया, सुनने गया था मगर सुनते समय वो जो तत्व विचार, वो वाणी के पीछे जो छिपा हुआ जो भाव, उस भाव को उसने देख लिया कि समोसरण में जाना सफल हो गया। आप परमात्मा यहां पधारे, जब भी मैं कुछ भी कहूं तब आपके अंतर में भाव से विकट तत्व विचार हो, चिंतन हो, आशय ग्रहण करके कि यह चैतन्य तत्व, क्योंकि समोसरण में गया अज्ञानी और हो गया आत्मज्ञानी। इतना ही नहीं, समोसरण में गया था अज्ञानी और वही समोसरण में मिथ्यात्व कषाय के कपड़े भी उतर गए और ये बाहर शरीर पर पहने हुए कपड़े भी उतर गए। गया था अज्ञानी और समोसरण में हो गया मुनि। इतना ही नहीं, गया था समोसरण में अज्ञानी और वहीं पर समोसरण में हो गया केवल ज्ञानी, परमात्मा हुआ। गया था कोई पापी और वही अंतर में स्वरूप को ऐसा छुआ, वो वही जीव जो संसार के विकल्पों में, विकल्पों की जाल में इतना बंधा हुआ, इतना थका हुआ अपने को एहसास करता है। यदि थकान होगी तो नींद आ जाएगी, यदि थकान नहीं तो नींद न आएगी। मैं सदा साधकों से कहता हूं, मुंबई का चर्च गेट स्टेशन, स्टेशन के बाहर फुटपाथ, 18 रात तक मैं फुटपाथ पर सोया था। 18 रात तक, 18 साल पहले फुटपाथ पर सोया, मगर नींद आ जाती थी, थकान थी, फुटपाथ पर भी आंख बंद हो जाती थी। मगर बहुत बार ऐसा हुआ, 144 देशों की यात्रा के दौरान मुझे जापान में, सिंगापुर में 7-स्टार होटलों में रहने को मिला, मगर नींद नहीं आती थी क्योंकि थकान नहीं थी। यदि थकान हो तो फुटपाथ पर भी नींद आ सकती है और थकान न हो 7-स्टार होटल की अनुकूलता में भी नींद न आएगी। आंख बंद होने के लिए थकान जरूरी है, आत्मा में डुबकी लगे आंख बंद हो जाए उन्हें बंद हो जाती है, आंख डुबकी लग जाती है उन्हें जो संसार के परिभ्रमण से थका हुआ है। ऐसे ही जीव जिन्हें अब कोई आशा न रही, भोगों के पीछे भागते भागते मुझे कुछ भी न मिला, भोगों के पीछे भागते भागते मुझे कुछ भी न मिला, नहीं, भोगों के पीछे भागते भागते मुझे मिला
तो यह बोध मिला कि भोगों के पीछे भागते भागते कुछ भी नहीं मिलता, ये बोध मिला। और इस बोध को लेकर के ही अंतर की यात्रा प्रारंभ होती है, चैतन्य यात्रा प्रारंभ होती है। फिर तुम जहां हो वहां चैतन्य 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 यही तुम्हें दिखाई देगा। चैतन्य के अतिरिक्त अब तुम्हें कहीं पर भी चैन न पड़े। तुम जहां देखो वहां चैतन्य। इसे प्यासा व्यक्ति हर जगह पानी को देखता है। ऐसे ही जो संसार परिक्रमण से थका है, बस एक ही चैतन्य प्रत्येक घटना में, प्रत्येक ज्ञेय के जानने के काल में चैतन्य चैतन्य चैतन्य। किस परिस्थिति में हो इस पर जोर नहीं, स्थिति पर जोर नहीं, जोर है स्थित पर। जो सदाकाल स्थित है वही चैतन्य तत्व है, यही मैं कहीं पर भी ये चैतन्य 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 यही विचार परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी ने आत्म सिद्धि शास्त्र के आरंभ में जे स्वरूप समझिया बिना पाम्यो दुख अनंत ये कहा। जो स्वरूप, स्वरूप क्या है? वही चैतन्य है, स्वरूप ही चैतन्य है, स्वरूप चैतन्य 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 चैतन्य। आज सुबह ही मुझे बार बार यही विचार आ रहा था और मैं वॉश बेसिन में हाथ धो रहा था, वही चैतन्य। बाथरूम में चैतन्य, क्योंकि मैं नल को देख रहा था और नल को जब देख रहा था तो ठंडा पानी आता है, गर्म पानी आता है, ठंडे पानी में वहां पर कोल्ड और हॉट, कोल्ड का सी, हॉट का एच, सी एच सी एच चैतन्य का मुझे सी एच चैतन्य 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 सी एच देखते ही मुझे वही विचार चल रहा था, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। जो स्वरूप है, जे स्वरूप, जे चैतन्य, जे चैतन्य, जे चैतन्य, जे सी एच, जे सी एच माने जैन सेंटर ऑफ ह्यूस्टन नहीं, जे सी एच माने जे चैतन्य, बस वही मैं हूं, वही मैं हूं, जे सी एच, जे स्वरूप, जे चैतन्य। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति हो। मेरे पास और कुछ भी नहीं, मेरे पास कोई कथा कहानी नहीं, मेरे पास राजा रानी की कहानी नहीं, यदि है तो एक सम्राट एक राजा की कहानी, एक वही जीव राजा, चैतन्य राजा, चैतन्य सम्राट। फिर तुम्हारा शरीर ऐसा ही पड़ा हो, फिर तुम राग की दीवार के पड़ोसी, फिर तुम मोक्ष मार्ग के मुसाफिर हो। कल जब सत्संग के दौरान ये चैतन्य की मैंने पुकार की, मुझे नहीं पता था कितने साधक चैतन्य की अंतर से रुचि वाले, मगर जब मैं बाहर गया तब किसी ने मुझसे विनम्रता से निवेदन किया कि जो चैतन्य की पुकार आपने की उसकी अनुभूति कैसे हो, उसका प्रयोग हमें करना है। मैं अत्यंत आनंदित हुआ ऐसे पिपासु मुझे यहां भी मिले। डुबकी लगानी होगी, प्रयोग करना होगा, थियोरी से कुछ भी ना होगा, प्रयोग करना होगा। उसके प्रयोग के बारे में आज के सत्संग के दौरान और सत्संग के पश्चात मैं आपको कुछ प्रयोग कहूंगा, क्योंकि नमोकार महामंत्र में जिन परमेष्ठियों को हम नमस्कार करते हैं उनकी वह दशा कैसे प्रकट हुई, नमोकार महामंत्र में जिन्हें हम नमस्कार करते हैं उनकी महिमा हमें है तो किस कारण से है? एक ही कारण है कि वे अपने में स्थित है, पराये में नहीं, पर में लीन नहीं होते। जो अपनी ओर दृष्टि करते हैं उनकी ओर सारी दुनिया नजर करती है, सारा जगत
उनके चरणों में, क्योंकि वे अपने स्वरूप में चैतन्य 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 निर्विकल्प अनुभूति अनुभूति होते ही वो आशय वो भाव तुम्हें ग्रहण होगा। थैले में पड़ा हुआ गुड़ बिल्कुल बाहर निकाल दो, थैले को उल्टा कर दो, फिर थैले को जीभ पर रखो, चाटो, लगेगा मीठा। वह जो मीठापन है वह थैले का नहीं, वह गुड़ का मीठापन है, क्योंकि थैले में तो मीठापन है ही नहीं, वह गुड़ का स्वाद है, वह गुड़ का अनुभव है। ऐसे ही ये शरीर एक थैला है, उसमें जो ज्ञान का अनुभव हो रहा है, ये ठंडा, ये गर्म, ये मीठा, ये खट्टा, ये अनुभव करने वाला कौन है? बस वही चैतन्य है। थैले में तो ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान का अधिपति ये चैतन्य सम्राट यही मैं हूं। अहंकार न होगा कि मैं चैतन्य सम्राट अभिमान है, और जिसने यहां अनुभव किया मैं चैतन्य परमात्मा, कि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा स्वरूप सहज ही दिखाई देता है, उसके लिए कोई नया एफर्ट नहीं करना पड़ता, पुरुषार्थ कोई अलग से नया नहीं करना पड़ता। नमोकार महामंत्र में पंच परमेश्वरी को नमस्कार किया, पंच परमेश्वरी को नमस्कार करने का एक ही प्रयोजन, ऐसी परम दशा मेरी भी प्रकट हो सकती है, मैं भी शक्ति स्वरूप परमात्मा हूं। नमोकार महामंत्र में हम गाते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि नमोकार मंत्र को गाना है, बोलना नहीं। बोलने का अर्थ नमोकार मंत्र गद्य नहीं, पद्य है, प्रोस फॉर्म में नहीं है, पोएट्री फॉर्म में है। नमोकार मंत्र जैसे संस्कृत में मंदाक्रांता वसंतिका, ऐसे हिंदी में दोहा सोरठा, ऐसे सब छंद होते हैं। संस्कृत में छंद होते हैं, हिंदी गुजराती में छंद होते हैं, ऐसे प्राकृत भाषा में छंद का एक प्रकार है, उस प्रकार का नाम गाथा है। गाथा प्राकृत का एक छंद है और वह पद्य में है, इसलिए नमोकार मंत्र को ऐसे गाते हैं। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं। जैसे हम समय सार की गाथाओं, प्रवचन सार की गाथाओं को गाते हैं, ऐसे ही नमोकार मंत्र एक गाथा है। जो जान दि अरहंतम दवत गुणत पज्जयते हिम सो जान दि अपानम मोहो खलु जादिता सलयम। ये प्रवचन सार की 80वीं गाथा, ऐसे ही जैसे गाथा को गाते हैं ऐसे नमोकार मंत्र गाथा। नमोकार मंत्र अनादि निधन है, निधन का अर्थ तो मृत्यु, मगर ये जो निधन का अर्थ मृत्यु है उसके आगे एक शब्द है अन प्लस आदि, तो कुल मिलाकर के तीन शब्द हो गए, अन आदि निधन माने अनादि निधन। तो ये अन शब्द जो है इन दोनों के साथ में
उपयुक्त है। ये आदि के साथ अर्थात जिसकी आदि नहीं है ऐसा अनादि और जिसका निधन नहीं है ऐसा अनिधन, उसका अर्थ है कि अनादि निधन पूरा एक साथ में। नमोकार मंत्र अनादि निधन मंत्र है। नमोकार मंत्र भाषा की दृष्टि से इतना पुराना नहीं है। ये जो प्राकृत भाषा में लिखा गया नमोकार मंत्र 2000 वर्ष पुराना है। ये जो हम गाते हैं ये कभी ना कभी तो लिखा गया होगा। ये लिखा गया, लिपिबद्ध हुआ ये 2000 वर्ष पहले। पर उसकी एक छोटी सी कहानी है जिस कहानी में भी चैतन्य का ही स्वरूप प्रधान। करीब 2000 वर्ष पहले गिरनार की गुफा में आचार्य धर्मसेन जी थे, आत्म साधना में लीन रहते थे। बहुत ज्ञानी थे, कर्म सिद्धांत का बहुत ज्ञान था। मृत्यु की घड़ी आई, फिर भी अंतर में यह जागृति थी, मृत्यु में मैं कहीं पर भी नहीं, क्योंकि पहले से यह जागृति थी कि देह में मैं कहीं पर भी नहीं। जैसे एक किनारा इस ओर और दूसरा किनारा दूसरी ओर। जो ये पहला किनारा है उस किनारे का मालिक मैं नहीं, दूसरा किनारा उस किनारे का मालिक मैं नहीं, दोनों किनारे का मालिक मैं नहीं हूं। तो दोनों किनारे के बीच में जो ब्रिज बना, पुल, उस ब्रिज का मालिक मैं कैसे हो गया? जन्म एक किनारा है और मृत्यु दूसरा किनारा, और जन्म और मृत्यु के किनारे के बीच में बना हुआ यह ब्रिज, यह शरीर एक ब्रिज है। जब दो किनारे ही मेरे नहीं तो ब्रिज मेरा कैसे होगा? पर ज्ञानी को सदाकाल यह जागृति रहती है। ब्रिज पर हम सवार होकर यात्रा करते हैं, मगर ब्रिज पर विश्राम नहीं करते। ब्रिज ठहरने के लिए नहीं होता, ब्रिज पार होने के लिए है। यह मनुष्य का शरीर, यह ब्रिज, यह ठहरने के लिए नहीं, यह भव सागर से पार होने के लिए है। वहां तो सिर्फ नदी से पार होना, यहां तो सागर नहीं, भव सागर से पार होना। आचार्य धर्मसेन गिरनार की गुफा में हर अंतर मुहूर्त में चैतन्य स्वरूप में लीन होते थे। मृत्यु की घड़ी निकट आई, शरीर ने साथ देना बंद कर दिया। इस राख की दीवार में किसी का साथ नहीं दिया। ये जो परमाणु अभी ये मेरे परमात्मा के एक क्षेत्र अवगाह, ऐसे ये परमाणु भूतकाल में अनंत जीवों का शरीर हो चुके हैं। ये परमाणु अनंत जीवों का शरीर होकर ये परमाणु यात्रा कर फिर यहां आए हैं। ये परमाणु किसी के भी न हुए, किसी के न हुए तो मेरे क्या होंगे? ज्ञानी को यह जागृति है। आचार्य धर्मसेन मृत्यु की घड़ी में यह विकल्प आया कि मेरे जाने से पहले, इस पृथ्वी से अलविदा होने से पहले
मेरे पास जो ज्ञान है ये ज्ञान मैं सुपात्र जीव को दूं। ये ज्ञानियों की करुणा, निष्कारण करुणा परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी, उनकी ये भावना थी। वचनामृत में लिखा, आखी सृष्टि मां पर्यटन करी ने सत्य धर्म की स्थापना करी। इसलिए ये जो शब्द है पर्यटन, ये कृपालु देव का शब्द है। इसलिए आप जो यहां देखते हैं ना धर्म पर्यटन, मैंने टूर नहीं लिखा, कोई ट्रैवल नहीं लिखा, पर्यटन ये कृपालु देव का शब्द है। वचनामृत के 27वें पत्र में धर्म पर्यटन, ये पर्यटन करके। और आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना, ये जो शब्द आपने सुना स्थापना, ये भी कृपालु देव का शब्द कि मैं सत्य धर्म की स्थापना, स्थापना शब्द है। ज्ञानी को सहज ये भाव आता है इस पृथ्वी से अलविदा होने से पहले, ये जो जलती हुई ज्ञान की ज्योति, ये जलता हुआ दिया, उस दिए के संपर्क में आकर और दिए जले, फिर ये दिया यहां से विदा हो जाए, मगर दीपक से दीपक की वो जो परंपरा है वो परंपरा जारी रहे, कायम रहे। इसलिए मैंने ये भावना पाई इस पृथ्वी से अलविदा होने से पहले, मैं ये भावना पाता हूं 142 ज्ञान दीपक प्रज्वलित हो। इसी के लिए अद्भुत आत्म साधना पूरी पृथ्वी पर प्रारंभ हुई है, और आप परमात्माओं के लिए भी अवसर है। जैसे मुझे कल किसी ऐसे पिपासु ने पूछा कि पाना है पात्र हो, तैयारी है, बस बीज ही बोने की देरी है, हल जो जमीन में चलाना जरूरी है, बीज को बोने के लिए। पर आपको जब मैं देखता हूं कि ऐसे छुट्टी के दिनों में भी इतनी संख्या में आप लोगों का यहां आना, हल चल चुका, तैयार है आत्मा सम्यक दर्शन का बीज बोने के लिए। बीज बोया कि फल मिलेगा, बाहर में तो बीज बो और बीज में ही पेड़ कट जाए, नष्ट हो जाए, हो सकता है, मगर यह अध्यात्म की यात्रा तो ऐसी है कि सम्यक दर्शन का बीज बोया कि मोक्ष का फल मिले बिना न रहेगा। बीज बोने की आपकी तैयारी है, एक क्षण भी अपने को हीन मत मानना। चाहे जितने तुमने पाप किए हो, चाहे जितने तुमने अपराध किए हो, एक समय भी अपने को नीचा मत मानना, क्योंकि आज जो सिद्ध शिला पर विराजमान है अनंत सिद्ध परमात्मा, निगोद से ही निकले थे, अनंत पाप से ही मुक्त हुए हैं, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं, कपड़े को फेंक देने की जरूरत नहीं, मैल धुल सकता है, यह आत्मा पर लगा हुआ मिथ्यात्व का मैल धुल सकता और धुलेगा, वरना तुम यहां न बैठते आज। तुम विचार करो, कोई भी घटना, इसमें मैं नहीं, ये जो भी वर्तन हो रहा है ये मेरे साथ नहीं, मैं वो नहीं, कुछ भी हो, देह की किसी भी प्रकार की क्रिया, उसमें मैं नहीं, तुरंत ही तुम वहां से गायब हो जाओ। पति ने पत्नी को छुआ, तुरंत ही ये मुझे क्यों छू रहा है, ये मुझे क्यों छो रहा है, नहीं तुम उसके साथ झगड़ा मत करना। पति ने पत्नी, तुम वहां से गायब हो जाओ, ये जिसे छू रहा है वो मैं नहीं, वो कोई पड़ोसी की बात हो रही है, मैं चैतन्य। ऐसी ही कोई भी घटना, उसमें मैं नहीं, ये मेरे साथ नहीं हो रहा। और ये जागृति ही धर्म है,
क्योंकि तुम देह में रह करके देह के परमाणु की ओर से ध्यान हटाकर अपने में हो, और जब तुम अपने में हो तब तुम वहां होकर के भी वहां नहीं हो, क्योंकि ध्यान वहां नहीं। ऐसी दशा आपको प्रकट हो सकती है। दुनिया में परिवर्तन न कर सकोगे, पर पदार्थों में परिवर्तन करना ये मेरे वश में नहीं, किसी भी निमित्त में परिवर्तन लाना ये मेरे हाथ में नहीं। मैं सिर्फ इतना ही कि जब भी कोई परिस्थिति आए उस परिस्थिति की ओर ध्यान ही नहीं जाता और चैतन्य का चिंतन चलता रहता है। आचार्य दत्सेन जी को यह भाव आया, परम कृपालु देव को भी यह भाव आया, कुछ गुरुदेव श्रीकांत जी स्वामी को भाव आया। 19 बार शुरुआत से लेकर अंत तक आद्योपांत समय सार पर प्रवचन हुए। 45 वर्षों तक चैतन्य परमात्मा तत्व भगवान आत्मा भगवान आत्मा, यही उनकी पहचान थी, भगवान आत्मा भगवान आत्मा। सुना होगा आप में से बहुत से श्रोताओं ने भगवान आत्मा, बचपन से मैं सुनता था। जब छोटा 6-7 साल का था तभी पिताजी बिठा देते थे प्रवचन में, बच्चे को बैठना पड़ता है, कभी कभी माँ बाप बिठा देते हैं ना। तो अब समय कैसे जाए, घड़ी में देखता 1 मिनट 2 मिनट 1 घंटे का प्रवचन। तो एक बार सहज ही ये विचार आया, ये गुरुदेव बार बार बोलते हैं भगवान आत्मा भगवान आत्मा, आज से ऐसा करते हैं कि भगवान आत्मा कितनी बार बोलते हैं वो गिनते हैं। तो मैं कागज पर लिख करके रखता 1 2 3 4 ऐसे 1 से लेकर 100 तक, और जैसे ही भगवान आत्मा बोले कि मैं टिक करता 1 2 तो समय जल्दी बीतता। और जब मैंने सबसे पहली बार ये टिक की तब 78 बार भगवान आत्मा, 60 मिनट के प्रवचन में 78 बार भगवान आत्मा भगवान आत्मा। ऐसी करुणा थी कि तुम्हें यह अनुभूति हो कि तुम स्वयं परमात्मा, तुम शरीर नहीं, हे ज्ञान दीपक तुम्हें अनुभूति हो, मैं भावना पाता हूं, बहुत कम समय के लिए इस पृथ्वी पर हूं, इसलिए तुम्हारे ज्ञान का दिया प्रज्वलित हो, समय बस अत्यंत अल्प है, तुम जल्दी करना तुम जल्दी करना, हे ज्ञान दीपक तुम जल्दी करना, कल 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 करते करते समय न बीत जाए, कल कभी आती ही नहीं, कल नहीं जब भी आए तब आज ही आता है, कल कहां आए, अभी इसी समय भोग तुम्हें भोगना है ये नहीं कहते हो, कल प्यास तुम्हें लगती है ये नहीं कहते हो, कल पानी पीऊंगा, भूख लगती है कल भोजन करूंगा, नहीं, जब तुम्हें विषयों की प्यास लगती है तात्कालिक तत्क्षण तो फिर अंतर की अनुभूति के लिए कल क्यों, अभी। ये चैतन्य ये भगवान आत्मा, ये चैतन्य परमात्मा तत्व जिसके साथ तुम्हारी मुलाकात ही नहीं हुई, जिसे तुमने देखा ही नहीं, तुमने मुझे नहीं देखा, तुम्हारा जो परिचय हो रहा है वो मुझसे नहीं, तुम्हारा परिचय हो रहा है मेरे पड़ोसी से। तुम चमड़े की आंखों से जो देखते हो चमड़े के अतिरिक्त कुछ भी ना दिखाई देगा, वो चमड़ा तो पड़ोसी है, तुम्हारा परिचय पड़ोसी से
चमड़े की आंख से जिसे तुम अभी बैठा हुआ या देखते हो वो कोई पड़ोसी, वो मैं नहीं। तुम मुझसे नहीं मिले, तुम्हारा मुझसे परिचय नहीं हुआ, तुम मुझसे नहीं मिले। मुझसे मिलने के लिए एक अनिवार्य शर्त है कि तुम्हें स्वयं को मिलना होगा, क्योंकि जो स्वयं को मिल लेता है वो प्रत्येक आत्मा को मिल लेता है, समझ लेता है कि प्रत्येक आत्मा का स्वरूप क्या है। क्योंकि जिसने स्वयं का स्वरूप समझ लिया उसने सारे जगत में प्रत्येक आत्मा में स्वरूप को समझ लिया। यह चैतन्य तत्व कभी कभी ऐसी ही दशा ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो मिट्टी के साथ रह कर के भी ये तुम्हें दिखाई दे कि ज्योति अलग है और मिट्टी अलग है। मिट्टी बिखरेगी मगर ज्योति उस मिट्टी से संबंध नहीं छोड़ती। मैं चैतन्य ज्योति। आचार्य दर्शन जी किसी सुपात्र जीव की खोज में थे। उस समय उनकी वाणी को समझ सके ऐसे तो मिलने चाहिए जो गुरु को समझ सके। गुरु को समझने के लिए गुरु के निकट आना जरूरी है। निकट माने बाहर से नहीं, शरीर से नहीं, निकट का अर्थ उनकी दशा के निकट आना जरूरी है। परम कृपालु देव को देखते हैं, हड्डी हड्डी देखो कितनी दिखती है हड्डी, मगर वो कृपालु देव नहीं। अंतर में जो अलिप्तता प्रकट हुई है वह कृपालु देव है। अंतर में जो स्वरूप की जागृति है, तुमने तस्वीर देखी होगी कृपालु देव की, तुम्हें लगता है कि कुछ देख रहे हैं, कृपालु देव कुछ भी नहीं देख रहे हैं, बैठे हुए कृपालु देव तुम देखते हो। ज्ञानी ऐसा लगता है कि हमारी और देख रहे हैं, नहीं वो हमारी और नहीं देखते। आंख खुली है मगर देखते नहीं। जैसे किसी माँ को घर पर फोन आया कि बेटे का अकस्मात हो गया, इस अस्पताल में है। माँ घर से निकली, गाड़ी में बैठी, ड्राइवर गाड़ी चला रहा, माँ गाड़ी के कांच पर पर्दा लगाने की जरूरत नहीं, आंख खुली है। दुकान एक गई, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, पेड़ पौधे ये सब आंखों के सामने सब है। कपड़े की दुकान गई, गहने की दुकान गई, और माँ को जब अस्पताल में पूछा कि कैसे थे कपड़े कैसे थे गहने, माँ कहती मुझे तो कुछ भी ना दिखा, आंख नहीं बंद की। वो रुचि बेटे की कि मुझे तो बेटे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखता था। बस ऐसी ही चैतन्य की रुचि कि तुम्हारी आंख खुली हो, मगर आंख खुली होकर भी तुम जगत के पदार्थों को नहीं देखते हो, तुम चैतन्य स्वरूप को देखते हो। यह दशा हे चैतन्य परमात्मा आपको हो प्रकट हो, आपको यह दशा प्रकट हो। मैं आपकी खोज में था, आपकी तलाश में था। आचार्य दर्शन जी ने दक्षिण भारत में समाचार भेजे। उस समय अधिकतर साधु दक्षिण भारत में विचरण करते थे। आपने ये सुना होगा 24 के 24 तीर्थंकर में से एक भी तीर्थंकर दक्षिण भारत में नहीं हुए। 20 तीर्थंकर समेत शिखर जी से मोक्ष गए, आदिनाथ भगवान कैलाश, महावीर भगवान पावापुरी, वासु पूज्य स्वामी चंपापुरी, नेमिनाथ भगवान गिरनार, सब ऊपर से नीचे से कोई नहीं। जितने भी भगवान हुए तीर्थंकर ऊपरी भारत से, और जितने भी मुनि हुए ऊपर से नहीं नीचे। आचार्य कुंदकुन देव तमिलनाडु में, नेमीचंद्र आचार्य कर्नाटक में, जयसेन आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य, उमा स्वामी आचार्य, ये सब दक्षिण भारत में। उसके पीछे अनेक कारण है मगर उस पर मैं अभी चर्चा न करूंगा, कभी वो भी विषय रखेंगे।
अभी मैं आपको ये बताता हूं कि दक्षिण भारत में जब समाचार भेजे कि कोई ऐसे मुनि को यहां भेजो जो ये ज्ञान ग्रहण करने में सुपात्र हो। समाचार पहले के जमाने में अभी जैसा नहीं था, अभी तो कितनी अनुकूलता है कि समाचार भेजना हो अमेरिका से भारत, बस एक सेकंड में फोन लगाया और समाचार भेज दिए, वहां से निकले कि बस 24 घंटे के भीतर तो यहां हाजिर हो गए। पहले वो सुविधा नहीं थी, इसलिए अभी जिसे कहते हैं ये कलयुग आया, मैं कहता हूं जिसे भोगों को भोगना है उनके लिए बहुत अच्छा काल आया, मगर जिसे धर्म करना है उसके लिए भी इतना अच्छा काल आया, सुवर्ण युग आया। इतनी सुविधा, नीचा काल कहकर के बहाने मत बनाओ। ये उत्कृष्ट काल, ऐसा उत्कृष्ट काल तो भगवान के काल में भी न था। महावीर भगवान की एक भी तस्वीर हमारे पास नहीं, पूज्य गुरुदेव श्री कान्हजी स्वामी की इतनी तस्वीर, इतने वीडियोस, इतने फोटोग्राफ्स आज हमारे पास में, इतनी अनुकूलता है आज हमारे पास में, इतनी सुविधा है। सुविधा का यदि सदुपयोग करें, पहले आपने सुना हो वो कैसेट रिकॉर्ड होती थी, फिर कैसेट आई 90 मिनट की, 60 मिनट की, ए साइड और घुमा करके फिर बी साइड, ऐसी होती थी। फिर वो सीडी आई 700 MB, फिर डीवीडी आई 4.7 GB, फिर तो मेमोरी कार्ड 4 GB, 8 GB, 16 GB, अब तो 64 से नीचे बाजार में बिकते ही नहीं, मना कर देते नहीं है। और हजारों घंटे के प्रवचन, अपने ही प्रवचन, आप www.fulchandshastri.com पर 10,000 घंटे के प्रवचन, एक क्लिक करो कोई भी प्रवचन 10,000 घंटे का, ये सब, ये सुविधा पहले के जमाने में नहीं थी। इसका उपयोग कर ले, सदुपयोग कर ले। और दुविधा भी है, दुविधा तो इतनी ज्यादा नहीं, पहले सत्संग होता था तो डिस्टर्बेंस नहीं होता था, किसी के मोबाइल की घंटी नहीं बजती थी, अभी ये सुविधा आ गई उसमें तकलीफ आ गई, थोड़ा ध्यान डाइवर्ट हो जाता, मगर वो थोड़ा चलता है। लाभ ज्यादा है नुकसान कम। दक्षिण भारत से दो मुनि आचार्य धर्मसेन जी के पास ज्ञान लेने पधारे, पुष्पदंत जी और भूतबली जी, ज्ञान पाया। पुष्पदंत जी और भूतबली जी भावलिंगी संत थे, छठे सातवें गुणस्थान वर्ती संत थे। आचार्य धर्मसेन जी ने कहा ये सब जो ज्ञान जो उनके पास जितना था सब तो नहीं दे सके, मगर जितना संभव था उतना ज्ञान दोनों शिष्य को दिया, दोनों को दिया। मुनि थे, भीड़ की अपेक्षा में, किसी भी ज्ञानी को भीड़ की अपेक्षा न होगी, भीड़ इकट्ठी करो, मेरे सत्संग में हजारों लोग आए, नहीं, एक भी बैठे हो पर्याप्त है। मैंने 3,000 महाराज साहबों को, श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी, देरावासी, अलग अलग सब संप्रदाय में महाराज साहबों को पढ़ाया, एक बैठते तो भी मैं जाता उनके पास। संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, भीड़ इकट्ठी करना ज्ञानी का प्रयोजन नहीं है, सिर्फ इतना कि एक भी दीपक प्रज्वलित हो जाए परंपरा चलेगी, ज्योति से ज्योति की वह परंपरा, दीपक से दीपक की परंपरा चलेगी।
इसी कारण से, इसलिए आचार्य दशरथ जी ने दोनों मुनियों को उपदेश दिया। फिर समय आया मृत्यु का और कहा अब जो ज्ञान मैंने आपको दिया इसे लिखना, इसे लिपिबद्ध करना। और फिर उन्हें विदा किया, वे अपने स्वरूप में लीन हुए और पुष्पदन जी और भूतबली जी ने महावीर भगवान के निर्वाण के पश्चात ग्रंथ की शुरुआत की, लिपिबद्ध करने की, लिखने की। और उस समय तो कागज नहीं थे, पेन नहीं, ताड़ के पान पर कांटे के माध्यम से लिखना होता था। ताड़ के पान पर छेद करके, जैसे ब्रेल लिपि होती है, छेद करते करते ऐसे कांटे से छेद करते ऐसे लिखते हैं चैतन्य ऐसा करके। और कितना समय लगता है, कांटा भी पीछे हाथ में लगता है, मगर ज्ञानी की करुणा, कांटे भी लगे मगर लिखा है। एक मुनि ने तो ये लिखते लिखते मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई, मेरी कमर झुक गई है, मेरी आंखें बाहर निकल आई, फिर भी लिखने का भाव आया। इसलिए हे भव्य, इसका सदुपयोग करना। चाहिए कुछ भी नहीं तुमसे, सिर्फ तुम्हारा हित हो, इस करुणा से ये लिखा। आचार्य दशरथ जी के ये दोनों प्रतिभाशाली शिष्य पुष्पदन जी और भूतबली जी ने ग्रंथ की रचना की। उस ग्रंथ का नाम षटखंडात्म था, षटखंडात्म। और षटखंडागम के प्रारंभ में मंगलाचरण, मंगलमय मंगलाचरण, मंगलाचरण, मंगलाचरण में नमोकार मंत्र को लिपिबद्ध किया। महावीर भगवान के निर्वाण के पश्चात सबसे पहली बार नमोकार मंत्र लिखा गया षटखंडागम शास्त्र में, प्राकृत भाषा में, क्योंकि षटखंडागम प्राकृत में लिखा गया था, प्राकृत भाषा में लिखा गया। षटखंडागम ग्रंथ की रचना हुई और उसके प्रारंभ में ही नमोकार महामंत्र नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसामि। नमोकार मंत्र की रचना, पंच परमेष्ठी को नमस्कार, नमो अरहंताण। ये शब्द जो आप सुनते हो अरहंताण, अरिहंत, अरिहंत, हंत का अर्थ नाश करने वाला, अरि माने शत्रु, शत्रु का नाश करने वाला अरि। और शत्रु कौन है कि जो मोह राग द्वेष के विकारी भाव है, यही शत्रु। ये शत्रु आत्मा के शत्रु, और आत्मा के शत्रु आत्मा में ही पैदा होने वाले, होता है ना ऐसा,
कि कोई बेटा माँ से पैदा हुआ और माँ को ही पीड़ा पहुंचाए, कष्ट पहुंचाए, ऐसे बेटे इस पृथ्वी पर मिल जाएंगे। ऐसे ही ये मोहर आत्मवेश के भाव ये पैदा हुए हैं आत्मा में से। आत्मा भी तो एक माँ है, आत्मा माँ, माँ में से ही पैदा होने वाले ये बेटे, ये मोहर आत्मवेश के भाव। शत्रु अपने नजदीक वाले ही शत्रु, आप भी यदि देखोगे ना, आपके शत्रु कोई दूर दूर के ना होंगे। आपका जो मोक्ष नहीं हो रहा है उसमें जो निमित्त बनने वाले होंगे ना, वो दूर दूर के नहीं होंगे, नजदीक के ही होंगे। आपका जिससे झगड़ा होगा, झंझट होगी, कषाय होगा, राग द्वेष, वो दूर वाले कोई नहीं आएंगे। सुमेरु पर्वत के प्रति आपको राग है या द्वेष है, पता ही नहीं सुमेरु पर्वत कहां है। हमें तो यहां जो आसपास अड़ोस पड़ोस में, और अमेरिका में तो पड़ोसी भी इतने परेशान नहीं करते क्योंकि घर वाले ही मिल जाते हैं, पड़ोसी की जरूरत है। जितने नजदीक के हैं वही झगड़ा, कषाय, राग, द्वेष, आप पूरे दिन भर का हिसाब लगाना कि जो भी कषाय का भाव हुआ था वो किन के ऊपर हुआ था। नजदीक नजदीक के ही होंगे, नजदीक वाले ही परेशान करते। ये मोहरा द्वेष के भाव आत्मा के नजदीक वाले, आत्मा की संतान है और आत्मा को पीड़ा पहुंचाते हैं। उसे नष्ट करना, उसे जिसे नष्ट किया जिसने, वे अरिहंत है। पूर्ण रूप से मोहरा द्वेष के भाव से छुटकारा हुआ। मैंने पहले ऐसा सुना था, अमेरिका का ये राज्य टेक्सास थोड़ा बाकी राज्यों की तुलना में खतरनाक है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था आर्टिकल में, कि वहां हथियार ज्यादा रखते हैं और यहां के लोगों को हंटिंग का शौक है, ज्यादा शौक है। तो आपके लिए तो आसान है अरिहंत होना, क्योंकि हंत में भी हंटिंग करना है, हंत, मगर दूसरों का नहीं, मोहराग द्वेष का हंटिंग। यदि आपको हंटिंग अच्छा लगता है तो हंट करो मोहराग द्वेष को। अरिहंतानम, हंत का मतलब ही हंत है, हंतानम, जिन्होंने मोहराग द्वेष के भाव को नष्ट किया है वे अरिहंत है, अरिहंतान। नमो सिद्धानम, जिनका समस्त कार्य सिद्ध हो चुका है, करने योग्य सब कुछ सिद्ध हो चुका है, जिसने समस्त सिद्धांत को समझकर सिद्ध करने योग्य सब सिद्ध कर लिया, वे सिद्ध है। करने योग्य अब कुछ भी न रहा, कृत कृत्य हुए, करने योग्य सब कुछ हो चुका, वे सिद्ध है। अशरीरी है, देह रहित है, देह रहित है, और हम देह रहित नहीं है, देह से भिन्न है। दोनों में थोड़ा अंतर समझना कि मैं आत्मा हूं, आप भी आत्मा। तो ये जो शरीर है आत्मा, आत्मा का शरीर नहीं, इसलिए आत्मा शरीर से रहित है, क्योंकि आत्मा शरीर अलग अलग है। ऐसा इसका भाव नहीं कि रहित, रहित शब्द का प्रयोग होता है पर्याय के लिए, और भिन्न शब्द का प्रयोग होता है द्रव्य की स्वतंत्रता के लिए। माने आत्मा और शरीर ये दोनों है साथ में, मगर दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, ये बताना हो तो ये कहते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और आत्मा के साथ शरीर रहा ही नहीं, ये जब कहना हो तब आत्मा शरीर रहित है। सिद्ध भगवान शरीर रहित है, देहातीत हुए, अशरीरी हुए, लोक के अग्रभाग में संसारियों की पैरों से, सिद्धों की सिरों से समानता होती है। जैसे यहां ग्यारह लोग खड़े हैं तो उसमें जो पैर होगा ना, पैर सबके जमीन पर एक से होंगे और सिर का भाग
किसी का ऊपर किसी का नीचे, ऐसे ऊपर से नीचे ऊपर नीचे होंगे। क्यों? कि वो जो पैर संसारियों की पैरों से और सिद्ध भगवान की सिरों से समानता होती है। माने जब मोक्ष होता है तब शरीर नहीं रहता मगर आत्मा का शेप तो रहता है, जो लास्ट बॉडी छोड़ा था ऐसा शेप। जैसे बर्फ को आप बाहर निकाल दो ट्रे में से तो शेप रहेगा, जो लास्ट में जो पात्र का आकार था उस आकार में। जैसे गिलास में पानी भरा बर्फ हो गया, अब उसको बाहर निकाला तो गिलास से अलग हो गया है, मगर वो बर्फ का आकार है कैसा? गिलास जैसा। ऐसे ही आत्मा का आकार शरीर जैसा, अंतिम शरीर जो छोड़ा ऐसा सिद्ध भगवान का आकार, मगर उससे किंचित न्यून। वो बर्फ का आकार थोड़ा कम होगा तो ही तो बाहर निकलेगा। इसका मतलब यह नहीं कि आत्मा को छोटा होना, मगर उसमें एक घन होता है, जहां पर भी खाली भाग वो भर जाता है अंदर, तो वो घन होता है। तो सिद्ध भगवान का आकार जो है वो अंतिम शरीर से किंचित न्यून और ऊपर से एक समानता। जैसे गुब्बारे गैस भरा हो, 11 गुब्बारे, तो एक गुब्बारे के साथ में 1 फुट धागा, दूसरा गुब्बारा 2 फीट का, तीसरा 3 फीट, ऐसे अलग अलग धागे के साथ, तो गुब्बारे ऊपर नीचे होंगे। और जब नीचे से ही सब गुब्बारे को काट दिया तो गुब्बारे ऊपर से एक से होंगे, मगर वो धागा वाला जो भाग है वो ऊपर नीचे होगा, धागे से वो ऊंचा नीचा होगा। तो ऐसे ही संसारियों को पैरों से और सिद्धों को सिरों से समानता होती। ये सिद्ध परमात्मा का स्वरूप। संसार से मुक्त तो हुए मगर मुक्त से फिर संसारी नहीं होते। इसलिए मैं सबसे खास कहता हूं कि मोक्ष जाना है समझ कर, सोच विचार कर, वापिस आने को नहीं मिलेगा। ये ऐसी व्यवस्था है, ऐसे ट्यूब में हवा भरते ना साइकिल में, तो उसमें ट्यूब में हवा भरते हैं, हवा अंदर जाती है मगर उसमें एक वाल होता है। वो वाल तो 1 रुपये के भी कितने वाल मिल जाते हैं बाजार में, मगर उस वाल में विशेषता है कि हवा अंदर जाती तो है मगर अंदर गई हवा बाहर नहीं आती। ऐसे ही संसारी से मोक्ष होता तो है, मुक्त होते हैं मगर मुक्त फिर संसार में वापिस नहीं आते। कभी कभी वहां तो हो भी जाए कि पंचर हो जाए और हवा बाहर आ जाए, मगर यहां तो कभी पंचर नहीं होता, यहां तो गए वो गए अनंत सिद्ध परमात्मा। इसलिए जल्दी जल्दी पधारना, यहां ठहरने योग्य कुछ भी नहीं, यहां रहने योग्य कुछ भी। अनंत सिद्ध परमात्मा ये अनुभव कर संसार को अलविदा कर दिया। आचार्य उपाध्याय साधु पांच परमिष्ठी में अरिहंत और सिद्ध परमिष्ठी को देव कहते हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु परमिष्ठी को गुरु कहते हैं। ये तीन परमिष्ठी जो गुरु है उनमें वैसे तो एक समानता है कि वे तीन कषायी चौकड़ी के अभाव पूर्वक सकल चारित्रवान वितराग परिणति को उपलब्ध ऐसे आत्मा है। और अंतर है उसके लिए ये 3 नंबर याद रखेंगे तो समझ में आएगा। माने नंबर 1 है 210 जिनके पास 2 अधिकार होते हैं वे आचार्य, जिनके पास 1 अधिकार वे उपाध्याय, और जिनके पास 1 भी अधिकार नहीं वे साधु। 2 अधिकार में आदेश पहला, उपदेश दूसरा। जो आदेश दे ऑर्डर कि तुम्हें ये करना है तुम्हें ये करना है, और जिसने कोई अपराध किया हो तो उसका प्रायश्चित भी कराए वो आचार्य। माने सब ऑर्डर देने का अधिकार जो है वो आचार्य को है, और उपदेश देने का अधिकार है वो भी आचार्य को।
तो दो अधिकार, आदेश और उपदेश। उपाध्याय के पास आदेश का अधिकार नहीं है, मगर वे उपदेश दे सकते हैं, इसलिए एक अधिकार सिर्फ उपदेश। और साधु के पास न आदेश न उपदेश, दो में से कोई अधिकार नहीं, जीरो। तो हमारे पास भी कोई अधिकार नहीं है, तो क्या हम साधु हो गए? नहीं, जिनके पास कोई अधिकार नहीं है ये तो सच है, मगर जो आचार्य के आदेश और उपदेश को और उपाध्याय के उपदेश को जो पालन करते हैं वे साधु है, और छठे सातवें गुणस्थान में जुलते हैं वे साधु है, वे मुनि है, आत्मा की साधना में वे स्थित है। ऐसे आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीन। कल ही मैं किसी से बात कर रहा था, जैसे मेरी ये भावना थी कि पृथ्वी का कोई ऐसा देश बाकी न बचे जिस देश में कृपालु देव की ये वितरागी वाणी न पहुंचे। और अभी तो हमने प्रयोग किया पृथ्वी का नक्शा, कि नक्शा लेकर आओ और कहीं पर भी उंगली रखो, जहां उंगली रखी वहां जमीन होगी, आंख बंद करके यदि जमीन होगी तो मैं वहां गया होऊंगा और पानी होगा तो नहीं गया होऊंगा। और अभी कुछ ऐसी जगह कहीं कहीं बाकी रह गई तो वहां पर भी अभी मैं जा रहा हूं, कि कोई पृथ्वी का कोई प्रदेश ऐसा बाकी न बचे जहां ये परमात्मा की वाणी न पहुंचे और एक भी जीव कहीं पर भी उसे सुन करके समझे, बस इस राग की दीवार का उपयोग हो। अब ऐसे ही कि एक भी जीव चैतन्य तत्व की अनुभूति से बस अपने दीपक की ज्योति को प्रज्वलित करे। तो उसके लिए मैं कल बात कर रहा था किससे, कि अमेरिका का एक भी राज्य बाकी न रहे, अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका का ऐसे मैं उसे ये कह रहा था, अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट्स, मुझे वो ये मैं ऐसा क्यों बोला, अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स AUS, आचार्य उपाध्याय साधु AUS, अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट्स AUS। कल मुझे वही विचार आया, आचार्य अमेरिका, उपाध्याय यूनाइटेड, साधु स्टेट्स, ये तो सब यहां पर है। यहां आचार्य उपाध्याय साधु होते नहीं है, सिर्फ नाम में तो हो सकते, स्वरूप समझ सकते हैं, स्वरूप की अनुभूति को उपलब्ध हो सकते हैं। आज इस छुट्टी के दिन मुझे आप परमात्माओं के संग बैठने का अवसर मिला, सत्संग करने का अवसर मिला, ऋण रहा आपका मुझ पर। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करता।